शबाना आजमी को किस कर चर्चा में आई थी मशहूर अभिनेत्री। 23 साल पहले निभाया था ये किरदार। नंदिता दास उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने अभिनय से अलग छाप छोड़ी है। नंदिता ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि 10 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। एक्टिंग के अलावा नंदिता निर्देशन के क्षेत्र में भी एक बड़ा नाम है। नंदिता का जन्म 7 नवंबर 1969 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ है। नंदिता के पिता जाने माने उड़िया पेंटर जतिन दास हैं, वहीं उनकी मां वर्षा लेखिका हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मिरांडा हाउस से की। इसके अलावा उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री भी ली। नंदिता दास 1996 में दीपा मेहता की फिल्म फायर से बॉलीवुड में चर्चा में आई थी। फिल्म में उनके साथ शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा और जावेद जाफरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में नंदिता दास और शबाना आजमी के बीच समलैंगिक रिश्ते को दिखाया गया है। कहानी दो महिलाओं के अकेलेपन को लेकर थी। फिल्म में शबाना और नंदिता के बीच की सिंग सीन फिल्माया गया था, जो काफी चर्चाओं में रहा। कम ही लोगों को पता है कि आमिर खान की फिल्म लगान के लिए नंदिता दास पहली पसंद थी। उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच भी किया गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये रोल ग्रेसी सिंह को मिल गया। इसकी एक वजह डांस भी था। ग्रेसी क्लासिकल डांस में पारंगत हैं। नंदिता की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 2002 में उन्होंने सौम्या सेन से शादी की, लेकिन 7 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद 2010 में नंदिता ने मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन सुबोध मस्कारा से शादी की। दोनों का एक बेटा विहान है। हालांकि ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और जनवरी 2017 में इस कपल ने अलग होने का ऐलान किया।